हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्राउज़र की मोरी में एक बहुत ही सुंदर एक डिज़ाइन बनाना बताएंगे, और डिज़ाइन को आप ट्राउज़र के साथ साथ अपनी आस्तीन में बना सकते हैं, और आस्तीन में बनने के बाद भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने ट्राउज़र लिया है, हमने ट्राउज़र के अपने फ्रंट और बैक पार्ट को यहाँ पर इस प्रकार से आपस में अटैच कर लिया है। हम ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, और डिज़ाइन बनाते समय हम अपने इस नीचे के हिस्से को कटिंग कर देंगे। कितना कटिंग करना है वो हम आपको डिज़ाइन बनाने के बाद बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे इसमें एक बुकरम जो कि इसमें नीचे बनेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके कुछ और डिज़ाइन बनेंगे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले हम आपको जो डिज़ाइन है इसका हम इसका यूज़ करना बताएंगे आपको। देखिए, इसको हमने इस प्रकार से ये फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऐसे एक इंच टेप से निशान लगा देना है, सीधा निशान, ताकि अगर आपकी बुकरम बराबर नहीं है तो कटिंग होके बराबर हो जाएगी। ये मार्क लगाया, और इसकी जो चौड़ाई है फोल्ड होने के बाद वो आपकी मोहरी के अकॉर्डिंग है। जितनी मोहरी है आपकी उतना हमने इसको रखा है, कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन कम नहीं रखना। अब इसके बाद आप यहाँ पर कुछ ढक्कन वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हैं गोलाई करने के लिए। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और अपने यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे चाक, पेंसिल या पेन का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको ऐसे रखते जाएंगे और एक मार्क लगा देंगे। इसको हमने किया, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हमने कटिंग किया, अब हम इसकी चौड़ाई कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच, 1.5 इंच इस प्रकार से। मेरा डिजाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ डिजाइन इसके ऊपर ही बनेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक डिज़ाइन और यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर अपना एक कपड़ा लिया है, इस कपड़े का हम बनाएंगे अपना पिंक टक्स डिज़ाइन। ये कपड़ा हमने काफ़ी लंबा और चौड़ा लिया है। हमारा जो इसमें डिज़ाइन बनने वाला है यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे करीब 3 इंच का बनेगा, 3 साढ़े 3 इंच का बनेगा, और हमने इसको यहाँ पर चौड़ाई में लिया है, इसको करीब करीब 6 इंच लिया है। ये इसमें 2 बनेंगे तो ये 12 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे सिर्फ आपकी इतनी बनने वाली है। तो इसको अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें तो ये अभी भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा कपड़ा लेना होगा हमेशा। अब आपको इस कपड़े को हम यहाँ पे दोनों पैटर्न को एक साथ बना रहे हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। अब आपको इसको एक साइड तिरछाई से पकड़ना है और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगानी है। इसी प्रकार से आपको पूरे एरिया पर ऐसे ही करना है। यहाँ पे करीब आपको 1 इंच का ऐसा गैप दे देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कपड़े पर सभी सिलाई ऐसे लगा दिया। इसके बाद में हम यहाँ इसके दूसरे तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसको आपको फिर से ऐसे उठाना है, उठा के यहाँ पर भी स्लाइस सेम लगा देनी है पूरे कपड़े पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरे कपड़े पर ऐसे डिजाइन बना दिया। इसके बाद हम इसको 2 पीस में अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्ट के लिए। इसको हमने कटिंग किया, अब हम ना कोई भी एक पीस लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक कपड़ा और लेंगे जो कि प्लेन कपड़ा है। इसको हम यहाँ पर ऐसा रखेंगे। इस कपड़े पर आपको यहाँ पे 2 सिलाई लगानी है, एक सिलाई इस साइड और एक सिलाई इस साइड। इसके बीच का गैप कितना हुआ हम आपको बता देते हैं। हम यहाँ पर जो पूरा गैप रखने वाले वो रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच का, 3.5 इंच का। तो पहले आप यहाँ पे कहीं पर भी एक सीधी सिलाई लगा दीजिए, निशान लगा दीजिए ये, और इसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच का, 3.5 इंच का एक गैप ऐसे लेंगे। अब आपको निशानों के ऊपर सिलाई लगानी है। इस
से लगाई, ऊपर से नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। और अब यहाँ पर इसको ऐसे पलट देंगे। ये इसको हमने इस तरीके से ये पलट दिया है, ये आपका पैटर्न तैयार हुआ। अब इसके बाद में जो हमने ये वाला पीस बनाया था, इस पीस को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा और लिया है, इस कपड़े पर हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इसको रखकर इसमें नीचे की तरफ पहले एक दिशा लगा देंगे, ताकि ये कंगूरे से आपकी जमे रहे, इनकी शेप खराब ना हो। ऐसी इस तरह आपको ऊपर लगा देनी है। ये एक कच्ची सिलाई जो कि डिजाइन बनने के बाद निकाल देंगे। अब जो ऊपर कपड़ा है आपका, इस कपड़े को हम यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे, ये नीचे ऐसे आ गया है। अब आपको जिस तरह की आपकी डिज़ाइन की शेप है, आपको शेप बुकम के बराबर में पूरी डिज़ाइन में सिलाई लगानी है। ये कपड़ा कटिंग करके इसको हम पलटेंगे। लगाई, अब आपको यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे काटना है और इनके बीच में यहाँ पर एक कट लगा देना है। तो यहाँ पर जो आपका कपड़ा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी काट को इसको अलग कर देना है। अब हम अपने डिजाइन को यहाँ पर इस तरीके से ये पलटेंगे। अब आपको उसमें नीचे की तरफ यहां किनारे पर इसमें एक स्टाइल लगा देनी है, ताकि डिजाइन आपका ऐसे ही बना रहे फिनिशिंग से। देखिए ये दोनों डिजाइन आपके यहाँ पर बने तैयार हो चुके हैं। अब इसके भी बाद में यहाँ पे आपको कुछ पट्टियां लगानी है, तो आप पट्टियां बना दिखा देंगे कैसे पट्टियां बनाएंगे, कैसे पट्टियों को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल अपनी कपड़े की पट्टी ली, इस कपड़े की पट्टी हम यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके यहाँ पर इसमें एक क्वार्टर इंच का दबाव देकर सिलाई लगा देंगे। अब आपको अपने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर ऐसे कटिंग कर देना है। कपड़ा कटिंग करने के बाद अब हम जिस तरीके से नॉर्मल डोरी पलटते हैं, इसमें यहाँ पर अपनी पट्टी को भी पलट देंगे। ये हमने सुई को इसमें डाला, यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। अब सुई के बैक साइड से इसको अंदर डालेंगे और दूसरे हिस्से से इसको बाहर निकाल देंगे। इसको निकाला, अब आपको अपनी सुई को मशीन में कहीं पर भी ऐसे अटका देना है। इसको हमने अटकाया और अब यहाँ पे अपनी पट्टी को हम इस तरीके से पलटेंगे, ये इस तरीके से आपकी पट्टी यहाँ पर ऐसे पलटी जा चुकी है। ये पट्टी हमारी बन तैयार है। अब आपको इसमें करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको इसमें हल्के से प्रेस कर देने, ताकि ये पट्टी आप यहाँ पर ही ऐसे जम जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने पट्टी पर प्रेस कर दिया। प्रेस होने के बाद ये आपकी पट्टी तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी जो ये पट्टी हमने आपको बनाकर दिखाई है, बहुत ज़्यादा छोटी पट्टी है, इस पट्टी में आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। ये पट्टी हमने आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए बनाई है, लेकिन आपको असल में एक काफ़ी बड़ी पट्टी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ी पट्टी बनाई हुई है। इस पट्टी का जो साइज़ है, करीब करीब यहाँ पर 3 मीटर, 3 मीटर लंबी आपकी पट्टी करीब एक डिज़ाइनर बनती है। तो हम आपको इस डिज़ाइन को बनाकर दिखाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अपना एक पेपर लेंगे, हमने सिंपल न्यूज़पेपर की पट्टी ली है। आपको यहाँ पे इसमें सिंपली एक मार्क लगा देना है, एक सीधा निशान। अब आपको यहाँ पर इसमें 1 इंच का गैप देना है, 1 इंच का आपको यहाँ पे गैप देना है।
तो पेपर आपका तैयार हुआ। अब यहाँ पे अपनी इस पट्टियों को लगाएंगे। इन पट्टियों लगाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको हम रखेंगे इस प्रकार से और निशान के बराबर में आपको यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देनी है इसको। और जितनी चौड़ी ये आपकी पट्टी है आपको बराबर में उतना ही गैप देना है और आपने पूरे पेपर को पट्टियों से ऐसे ही कवर कर देना है। तो एक साइड से इसको हमने अटैच किया, अब दूसरी साइड से भी सिलाई लगाकर इसको जोड़ देंगे, पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये पट्टी हमारी तैयार हुई। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर सेम पट्टी एक और बना दी है। आपको एक डिज़ाइन में यहाँ पर दो पट्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम अपना एक ये वाला पीस और अपना एक ये वाला पीस लेंगे और अब इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये जो आपका ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस एक्स्ट्रा कपड़े को आपको यहाँ पर ऐसे अंदर फोल्ड कर देना है और अंदर फोल्ड करके जस्ट आपको निशान के ऊपर यहाँ पर करके एक सिलाई लगानी है। इसको हमने अटैच किया। अब इसके बाद में ये जो दूसरा पीस है आपका, हम इसको भी इसके ऊपर यहाँ पर रख देंगे और इसको भी अटैच कर देंगे जस्ट निशान के ऊपर। अब हम अपने दूसरे पैटर्न को लेंगे और इसको भी इसके नीचे रखकर यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इस पैटर्न को आखिर में अपने टॉर्च में अटैच करेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी छोटी करनी है आपको बता देते हैं। देखिए, ये हमारी पूरी लंबाई है, हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है। अब आपको यहाँ पर ये जो किनारा है, किनारे पर इसको ऐसा करके रखना है और जहाँ पर भी ये आपका ये वाला मार्क आता है, ये वाला मार्क आता है, वहाँ पर आपको इसको इस तरीके से एक निशान लगा देना है। देखिए, ये इसको हमने इस प्रकार से एक मार्क लगाया है। ये करीब करीब आपका यहाँ पर 8 इंच है, ये 8 इंच है। अब नीचे से आप यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़कर बाकी पूरे कपड़े को ऐसे काट देना है। अब हम अपने इस पैटर्न को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और निशान के ऊपर रखकर इसको भी जोड़ देंगे। ये इसको हमने ऐसे अटैच किया। अब आपको बराबर से एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे काट देना है। कपड़ा कटिंग होने के बाद अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरीके नॉर्मली फोल्ड करते हैं और नॉर्मली फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे लगा देंगे और ये जो आपका डिज़ाइन है बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी इसकी सिलाई होती है वो आप नॉर्मली एक आम ट्राउजर की तरह कर सकते हैं। इसको हमने अटैच किया। अब आपको यहाँ से जितना भी आपका पेपर है, पेपर को ऐसे फाड़ के निकाल देना है। पेपर फटने के बाद अब ये जो आपका डिज़ाइन है बन के तैयार ऐसे हो चुका है। और बाकी जो सिलाई है ट्राउज़र की, वो आप नॉर्मली किसी भी पैंट की तरह, जो भी आप नॉर्मली पैंट बनाते हैं उसकी तरह कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डिज़ाइन है बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी सिंपल इसका लुक है। आप भी इसको बना सकते हैं हमारी वीडियो को सिर्फ एक बार देख के ही। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और पहनने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से आपके सामने आता है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी सिंपल हमारा डिज़ाइन है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।
दोस्तों, अगर आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कोई काम करना नहीं आता और आप अपने आप को या फिर अपनी फैमिली को पैसों के तौर पर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, दोस्तों आपको सिलाई सीखना चाहिए। क्योंकि सिलाई एक ऐसा काम है जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाओगे और सीख कर आप अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको हमारी ऑनलाइन व्हाट्सअप क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। नीचे दिए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए और हमारी क्लास में ज्वाइन हो जाइए। हमारी क्लास में ज्वाइन होने का जो चार्ज, हमारा पूरा जो कोर्स का पूरा फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये।